अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर 1 की रिवीजन टाइम। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 तक अपलोड कर दी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मल्टीप्लाई द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/7 विद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 21/49। तो -1/7 की एडिटिव इनवर्स के साथ 21/49 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल को इंटर करना, तो इसकी एडिटिव इन्वर्स देखिए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1/7 इज 1/7। ये आपको पता है ना, ये नेगेटिव है तो इसकी एडिटिव इन्वर्स सेम नंबर बट पॉजिटिव। और इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या है, इसकी ठीक उल्टा होगी, यानी कि 21/49 की जगह होगी और 21 की जगह 49 होगी, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की इंटरचेंजिंग होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यानी कि रेसिप्रोकल में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 21/49 इज 49/21। ये भी आपको अच्छे से पता है, हमने इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके। तो देयरफॉर आप क्या करना, दोनों को इंटू करना, किस किन दोनों को, 1/7 और 49/21 को। तो 1/7 इंटू 49/21 है। आप देखिए 7 7 49, 7 1 7 7 3 21, तो इज इक्वल टू 1 × 1 1 है और नीचे 3 है, तो इसके आंसर 1/3 है। इजी ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2s नंबर शूट -3/11 बी एडेड टू गेट द सम 0। तो इसके साथ कौन से नंबर ऐड करने से सम यानी कि दोनों की ऐड से रिजल्ट जो आएगी ना वो 0 होगी। तो देखिए ये क्लियर है कि इसकी एडिटिव इन्वर्स जो होगी ना, इसके साथ ऐड करने से रिजल्ट 0 आएगी, क्योंकि किसी भी नंबर को इसकी एडिटिव इन्वर्स के साथ अगर ऐड की जाए तो सम 0 आएगी, ये आपको पता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा लिख सकते हैं, वी नो एनी नंबर एडेड टू इट्स एडिटिव इन्वर्स द सम बिकम्स 0। सो द नंबर इज इसकी एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है, माइनस ऑफ -3/11 इज इक्वल टू -± +। ये नेगेटिव है मतलब इसकी एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होगी, तो -± +3/11 है, तो ये है रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, दी रिक्वायर्ड नंबर इज 3/11, ठीक है। इतने लंबा अगर ना लिखे तो जस्ट इतने तक लिख सकते हैं, दी रिक्वायर्ड नंबर इज 3/11, क्योंकि -3/11 की एडिटिव इन्वर्स 3/11 है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस है, ठीक है। आप देखते हैं -3/11 प्लस ऐड करना ना, तो इसके एडिटिव इन्वर्स 3/11 है, 11 है। अब देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मतलब देखिए सेम नंबर को सेम नंबर से हम माइनस कर रहे हैं, मतलब सेम चीज़ से सेम चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो 0 हो जाएगी ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/5 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/7। तो इसकी एडिटिव इनवर्स और इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों को ऐड करना। तो देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/5 इज +11/5 पॉजिटिव, ठीक है। एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/7 इज 7/15, इसकी ठीक उल्टा है। अब ऐड करना, तो इसको और इसको ऐड कर देना, तो 11/5 प्लस 7/15, तो इज इक्वल टू, आप देखिए ऐड करना ना, तो आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, 5 और 15 की एलसीएम 15 है, क्योंकि 15 में 15 भी एक बार है और 5 तीन बार है, तो 5 15 में तीन बार है, तो उसी ही 3 से इसकी जो न्यूमरेटर है इसको गुना कर देना, तो 3 11 30 3 है, बीच में साइन प्लस है तब प्लस, अच्छा 15 15 में एक बार है, तो उसी ही एक से इसको इंटू करना, तो 1 × 7 7 है, इज इक्वल टू, नीचे 15 है, अच्छा 32 + 7 40 है, 40 है। अब देखिए कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 8 = 40 और 5 3 = 15 है, तो 8/3 है आंसर, इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेट 11/37 इंटू 5/11 + 2/3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको इसकी सॉल्यूशन ढूंढना निकलना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है ये आपको तो पता है ना, ऑलरेडी हमने इस प्रॉपर्टी पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके। तो यहाँ देखिए ये 11/37 इस टर्म के साथ इंटू है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं,
तो दोनों टर्म्स के साथ ये अलग अलग इंटू हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लिए तो इज इक्वल टू 11/37 इंटू इसके साथ 5/11, बीच में साइन प्लस है प्लस, फिर से 11/37 इंटू 2/3 है। आप देखिए 11 से तो 11 कट जाएगी, 5 से 37 कट नहीं सकते। अच्छा यहाँ देखिए किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को हम काट नहीं सकते, 11, 3 और 37, 2, ये चारों नंबर्स प्राइम नंबर्स है। तो इज इक्वल टू फाइनली यहाँ क्या बचा, 5/37 प्लस, और यहाँ क्या बचा, 2 11s are 22 divided by 3 37s are 111 इज इक्वल टू। अब देखिए इन दोनों की एलसीएम लेना तो 111 ही एलसीएम होगी, 111 में 37 देखिए कितने बार है, 3 बार है, 3 37s are 111 आया ना, इन दोनों के प्रोडक्ट 111। तो यहाँ भी देखिए 37 इसमें 3 बार है, तो 3 5s are 15 है, बीच में साइन क्या है प्लस है, और ये 111 में 1 बार है, तो 1 to 22 है इज इक्वल टू 111 15 plus 22। देखिए 37 है इज इक्वल टू, आप देखिए 37 1s are 37 और 37 3s are 111, तो 1/3 आंसर आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर ए इज इक्वल टू 2/3, बी इज इक्वल टू -3/4 एंड सी इज इक्वल टू 1/2, वेरीफाई दैट ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपको पता है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होती है, नंबर्स और अपने साइन जगह में रहते हैं लेकिन ब्रैकेट की पोजिशन चेंज हो जाती है। फर्स्ट दोनों में ब्रैकेट है और इसके केस में लास्ट दोनों में ब्रैकेट्स है। तो पहले ए और बी को इंट्री की जाए, बाद में सी के साथ इंट्री की जाए, तो जो रिजल्ट आएगी ना वही बराबर होगी। पहले बी और सी को इंट्री की जाए और फिर से इन दोनों की प्रोडक्ट के साथ ए इंट्री की जाए, तो सेम आएगा। तो गिवन या गिवन की जगह हेयर या फिर फॉर ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2/3, बी इज इक्वल टू -3/4 एंड सी इज इक्वल टू 1/2 जो दी गई है। अब देखिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एल एच यस एल एच एस ये ना ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए के वैल्यू क्या है 2/3 है इंटू बी, ए और बी दोनों ब्रैकेट में है ना, बी की वैल्यू -3/4 है। अच्छा इंटू फिर से सी, सी की वैल्यू 1/2 है, 1/2 है इज इक्वल टू, आप देखिए 3 से 3 कट जाएगी, 2 2s are 4 है। देखिए यहाँ एक माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। अच्छा तो देखिए ऊपर में तो कुछ नहीं है ना, तो 1 है, -1/2 है, -1/2 है इंटू ये भी इसके साथ इंटू है ना, 1/2 है, 1/2 है इज इक्वल टू, आप देखिए ऊपर ऊपर इंटू कर देना और नीचे नीचे इंटू कर देना, तो देखिए -1 to 1, 1 है और 2 2s are 4 है, -1/4 है। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड वही है ना, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2/3 है, 2/3 है इंटू बी की वैल्यू -3/4 है इंटू सी की वैल्यू 1/2 है इज इक्वल टू। पहले देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो यहाँ काट नहीं सकते, तो -3 into 1 -3 डिवाइडेड बाई 2 4s are 8 है। अब देखिए 2 4s are 8 है, 3 से 3 कट जाएगी, 1 माइनस ऊपर है तो इज इक्वल टू यहाँ तक कुछ नहीं ना, तो 1 है, -1/2 नीचे क्या है 4 है। तो देखिए राइट हैंड साइड भी सेम है, -1/4, तो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस वेरीफाइड, या फिर इसकी जगह इस टर्म को इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर ए इजिकल टू 1/3, बी इजिकल टू 1/2, सी इजिकल टू 3/4, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इजिकल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, बीच में साइन प्लस है तो ओवर एडिशन होगा, अगर माइनस होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ एडिशन है। तो गिवन जो दी गई है वो है, आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए इंटू बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या है 1/3 है, 1/3 इंटू बी प्लस सी, बी की वैल्यू 1/2 है प्लस सी की वैल्यू 3/4 है इज इक्वल टू 1/3 है, यहाँ इंटू है ना, आप ब्रैकेट में दोनों को सॉल्व कर देना, तो 1/2 और 3/4 को अलग सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 प्लस 3/4 है, 2 और 4 की एलसीएम 4 है, आप देखिए 4 में 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 1 2 है, प्लस 4 में 4 एक बार है तो 1 इंटू 3 3 है, 2 3 0 5 तो 5/4 है, 5/4 है, आप देखिए यहाँ काट नहीं सकते तो 5/1 5 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3/4 12 है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमें 5/12 मिल रही है। आप देखते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करके सही मिल रही है कि नहीं, तो राइट हैंड साइड में क्या है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी है इज इक्वल टू ए 1/3 है इंटू बी 1/2 है प्लस ए 1/3 है इंटू बी 3/4 है इज इक्वल टू, यहाँ तक काट नहीं सकते तो 1 × 1 1 है डिवाइडेड बाई 3 × 2 = 6 है, साइन प्लस है। अच्छा यहाँ 3 से 3 काट दीजिए तो 1/4 आएगा, 1/4 है इज इक्वल टू, आप थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लेना तो 6/4 की एलसीएम 12 होगी, 12 होगी क्योंकि 12 में 6 कितने बार है 2 बार है तो 2 × 1 2 है, साइन प्लस है बीच में, 4 कितने बार है 3 बार है तो 3 × 1 3 है तो 2 × 3 = 5 है और नीचे 5/12 आ रही है। तो देखिए इसके केस में भी राइट हैंड साइड 5/12 लेफ्ट हैंड साइड 5/12 मतलब बराबर है, तो है देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। अच्छा LHS इज इक्वल टू RHS की जगह इस प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैंस वेरीफाइड इज, ठीक है तो दोनों ही सही है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए नेम दी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ देखिए -3/7 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -3/7 इज इक्वल टू -3/7, तो यहाँ देखिए यह दोनों में 1 इंटू है तो किसी भी नंबर के साथ 1 इंटू खींच जाए तो वही नंबर ही रह जाएगी, ना बढ़ेगी ना कमेगी, तो इसको क्या कहते हैं, किसी भी नंबर के साथ अगर 1 इंटू की जाए तो सेम नंबर रह जाएगी, अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है तो 1 नंबर लिखिए ये नंबर आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बी नंबर लिखिए 4/5 इंटू -3/19 इज इक्वल टू -3/19 इंटू 4/5, तो इन दोनों में देखिए यहाँ 4/5 पहले है और यहाँ 4/5 बाद में है, याद कीजिए 4 × 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 20 आएगा, अब 5 को पहले लिखिए 5 × 4 तो 5 × 4 = वही 20 है, दोनों के केस में रिजल्ट तो सेम है, सेम आ रही है ना, यहाँ देखिए नंबर के पोजीशन अलग अलग है लेकिन रिजल्ट सेम आ रही है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसे ही होते हैं, ठीक है तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी के तहत आप मानते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ बी नंबर में जस्ट लिख दिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, तो इन तीनों फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, ठीक है तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, यहाँ देखिए तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शंस के, ठीक है तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पूरा एक चीज़ को 11 पार्ट हो रही है बराबरी, यानी कि इक्वली 11 पार्ट्स 11 हिस्से की जा रही है और इनमें से 4 हिस्सा 8 हिस्सा और 6 हिस्सा अलग अलग दिखा देना बस, तो यहाँ जब के माइनस है ना तो ये मान लीजिए 0 है और यहाँ मान लीजिए 1 है ठीक है, तो 0 और 1 के बीच जो गैप है यानी कि इसको पूरा एक हिस्सा मान लीजिए, ठीक है अच्छा सॉरी इस साइड में -1 हो गया,
लेफ्ट साइड में ना माइनस वन, लेकिन यहाँ जो मान आ रही है जो एक्चुअल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी ना वो तो प्लस वन ही होगी, यानी कि वन ही रहेगी ना। अच्छा आप देखिए बराबरी इक्वली 11 बात करना, तो ये है 1/11। अच्छा बाद में माइनस लगा देंगे, सब में यहाँ माइनस होगी। ये है 2/11, ये है 3/11, ये है 4/11, ये है 5/11, ये है 6/11, ये है 7/11, ये है 8/11, ये है 9/11, और ये है 10/11। अच्छा ये तो पूरा 1 है, मतलब 11/11 है। अच्छा ये 0 है, मतलब आप 0/11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0/11 मतलब वही 0, यानी कि वो तो 0 से स्टार्ट हो रही है। आप माइनस लगा देना, माइनस 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 माइनस, ठीक है हो गया ना। आप देखिए -4/11 कहाँ है, ये है, इसको थोड़ा सा नीचे कैस करके भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें ऐसे ही एक सर्कल मार्क लगा देते हैं तो आंसर हो जाएगा -8/11, ये है। अच्छा -6/11, ये है, तो ऐसे ही दिखाने से भी हो जाएगी आपका आंसर, ठीक है। तो ये है भाई पक्का आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/8 एंड 3/4, तो 1/8 और 3/4 के बीच 4 रेशनल नंबर्स लिखना। तो 1/8 और 3/4 ये दोनों लिमिट्स है, और यहाँ जबकि बिटवीन कहा ना, तो इन दोनों के बीच होनी चाहिए, इन दोनों नंबर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 1/8 से बड़ा और 3/4 से छोटा। अब देखिए कैसे निकलते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है ना। अच्छा तो आप एक काम करते हैं, 1/8 तो है ना, अच्छा 1/8 तो एक है, जो 3/4 जो नंबर है ना इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर देते हैं, मतलब इसकी जो नीचे 8 है इसके नीचे भी 8 कर देते हैं, और ऐसे ही करना ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो जाए। तो 3 × 2 और 4 × 2, तो देखिए 2 × 4 = 8 है, दोनों को 3 और 4 को 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से, तो वैल्यू की तो कोई चेंज नहीं आएगी ना। तो 2 × 3 = 6 है और 2 × 4 = 8 है, तो 3/4 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना वो 6/8 है। अब देखिए दोनों की डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, देयरफॉर आप लिखना 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/8 एंड 3/4, यानी कि डेट इज 6/8 आर। तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, अब न्यूमिनेटर देखिए 1 और 6, तो इन दोनों नंबर्स के बीच कितने कितने नंबर्स हैं, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इन दोनों के बीच है ना। तो 2/8, 3/8, 4/8 एंड 5/8, 2/8, 3/8, 4/8 एंड 5/8, इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, स्टे ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स बताना। ए नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। तो जितने सारे रेशनल नंबर्स है सारे के सारे रेशनल नंबर्स नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, रिप्रेजेंट नहीं होगी, ये कह रही है। देखिए क्लास 9 में जाके आपको मिल जाएगी कि सिर्फ रेशनल नंबर्स नहीं, इरेशनल नंबर्स भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट की जा सकती है। इरेशनल नंबर्स भी रूट पर वाले नंबर है, रूट 3, रूट 5, इस टाइप के नंबर्स हम नंबर्स नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ रेशनल नंबर्स की बात हो रही है ना, तो ये तो और भी मुमकिन है और भी इजी है। तो यहाँ नहीं, यहाँ कह रही है कि कैन नॉट बी, हो नहीं सकता, तो मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स। अच्छा बी नंबर, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b इज a/b, ये नेगेटिव है, सेम नंबर ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये ट्रू है,
एडिटिव इनवर्स तो एक नेगेटिव है तो दूसरे पॉजिटिव होगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अच्छा सी नंबर डी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस फाइव बाई सेवन इज सेवन बाई फाइव। देखिए ये टू है कि फॉल्स, देखिए फाइव बाई सेवन और सेवन बाई फाइव ये तो हो गई ना, उलट पलट तो हो गई, लेकिन इस पर माइनस नहीं है। देखिए एडिटिव इनवर्स के केस में माइनस है तो प्लस है, नंबर सेम है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जगह सेम ही रह जाती है, सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपनी जगह में रह जाती है लेकिन साइन बदल जाती है। और यहाँ देखिए साइन सेम रह जाती है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज हो जाती है, एक दूसरे की जगह में इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है तो यहाँ तो इंटरचेंज हो गई लेकिन साइन बदल गई, तो ये गलत है, यहाँ माइनस होनी चाहिए था, तो मतलब ये फॉल्स है। अच्छा नेक्स्ट डी नंबर, देखिए डिविजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में कि डिविजन रैशनल नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव नहीं होते। थोड़ा सा एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए 3/4 है, 3/4 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, नंबर की पोजिशन चेंज हो जाते, 3/4 को मान लीजिए 4/6 से हम डिवाइड दे रही है। अच्छा अब देखिए नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए, जगह बदल दीजिए, तो मतलब 4/6 को पहले लिया, 4/6 डिवाइड साइन अपनी जगह में है और 3/4 को बाद में, 3/4 को, यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है अच्छा अब देखिए इसको डिवाइड देना मतलब क्या है, इसको डिवाइड देना मतलब 3/4 डिवाइड की जगह इंटू है और इसकी रेसिप्रोकल है 6/4 है। ठीक है तो 2 2 4 है, 2 3 6 है, तो 3 3 9 है और 2 4 8 है, 9/8 आ रही है। इसको सॉल्व करके यहाँ तो नंबर की पोजीशन चेंज कर देना, तो इसको सॉल्व करके क्या आ रही है देखते हैं, 4/6 है, अच्छा डिवाइड की जगह इंटू है और इसकी रेसिप्रोकल है 4/3 होगी। आप देखिए यहाँ काटपुट नहीं कर सकते, 4 4 16 है और 3 6 18 है, तो देखिए 16/18 और 9/8 ये बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है ना, तो ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो मतलब रैशनल नंबर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा काम नहीं करती, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है रैशनल नंबर्स पर। तो यहाँ भी कह रही है नॉट, तो मतलब ये ट्रू है। तो भाई रिवीजन टाइम समाप्त हो गया, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए इस मैथ बुक्स की सारे के सारे एक्सरसाइजेस इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जस्ट प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर देख लीजिए मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 8 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना, सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।